जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज सैयद अली अकबर शाह फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हैं। इनको अभी हम थोड़ी सी सर्जरी करने लगे हैं। इनका ये कैसे अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं, ये असल में बहुत बड़ा मसला है। लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पीसी स्टूडेंट। मैं ये नहीं कह रहा, इससे पहले कि मैं इनको कोई तनकीद करूँ, ये मैं आप इसको जजमेंट करें, जजमेंट की बात नहीं है। वी आर ऑन दिस कॉल विद हिज परमिशन के हम दूसरों को सबक सिखा सकें एज ए केस स्टडी, ताकि वो आप हम सारे सीख सकें कि क्या काम नहीं करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। मैं इम्पैक्ट की बात भी करूंगा। असल में जो कुछ भी हम आप ऑनलाइन करते हैं उसका एक इम्पैक्ट है, उसके इम्पैक्ट का वो दैट इज एक्चुअली कॉस्टिंग यू मनी ऑलरेडी एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट थिंग। असल बात तो ये है, आपको पता ही नहीं कि वो है क्या। तो इसके लिए फाइनली हमें हर काम को केस स्टडी को बताने के लिए आपको किसी न किसी को एग्जाम्पल बनाना होता है। तो अभी जो सैयद अली अकबर शाह साहब हैं, ये कहते हैं जी आप मुझे एग्जाम्पल बना दें, कोई बात नहीं, ये पॉपुलर हो जाएंगे इसी चीज में। लेकिन देखते हैं वो कैसे इसमें से गो थ्रू होते हैं। एंड लेट्स गो थ्रू दिस टुगेदर। सैयद अली अकबर शाह साहब, आप ये तैयार हैं इस चीज के लिए, सारा कुछ शेयर करने के लिए? इसमें आपको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी हो सकती है, इसमें आपने जो किया है वो ये कि आप दूसरों के सबक सिखाने के लिए, आप जैसे कहते हैं हमारी जबान में कि कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार हैं, क्या वजह है? व्हाई यू सेड यस टू दिस? वो इसलिए सर मुझे जिस चीज़ का यानी मैं सुनता रहा हूँ लेकिन मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसका मुझे नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि यानी किसी और को ये चीज़ फेस ना करनी पड़े, तो उसको पता चल जाए कि वाकई ये चीज़ इफेक्ट करती है, वो आपको हवा में ना उड़ाएं। तो इसलिए मैंने कहा कि यानी बता दिया जैसा आपको केस स्टडी के तौर पर। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इसमें अभी आप अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू शेयर योर प्रोफाइल। ओके सर, ओके। ओके, ये देखें अभी हम जो शेयर कर रहे हैं, कैन यू सी योर ओन फेसबुक प्रोफाइल ऑन स्क्रीन? यस सर, ओके, ये सैयद अली अकबर शाह की प्रोफाइल है। अब ये देखें, ये ऊपर ये इसको कवर के पेज कहते हैं, इस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, जो मुसलमान नहीं भी हैं, ये चूंकि ये आप अपना बेसिकली मजहब को उनको बता रहे हो, बिजनेस की बात नहीं कर रहे। वो आपसे मजहब सीखने के लिए आपकी प्रोफाइल पे कोई नहीं आया, अनलेस के आप माशाल्लाह को मौलाना हैं और आप प्रीच करते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें हमें कोई वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप हमें ये बताएं कि आप फेसबुक पे मजहब को प्रीच करने के लिए आए हैं या आप बिजनेस करने के लिए आए हैं? सैयद अली अकबर, आप सवाल का जवाब दें। नहीं सर, मजहब को तो प्रीच नहीं करने आया, लेकिन यानी पहले खैर जो थोड़ा सिस्टम यूज करने का सोशल मीडिया वो थोड़ा चेंज था, लेकिन अब जिस फील्ड में हो या अब जो सिस्टम है उसमें तो मजहब को प्रीच कर ही नहीं सकता, तो उसको एज अ सोशल मीडिया ही बिजनेस के लिए प्रमोट करना है। अच्छी बात है, तो आप बेसिकली आप बिजनेस के लिए आए हैं ना? कोई बंदा आपको अगर मिला नहीं है इन पर्सन, दे डोंट नो यू येट, आप वो जब इसको देखेगा फौरन उसके माइंड में क्या आएगा कि ये बहुत बिजनेस पर्सन है या ये बहुत मजहब का बंदा है? वो तो यही देखेगा ये कोई मजहबी शिद्दत पसंद है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपने खुद कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये देखें, ये जी आपने ये अपने नीस की पिक्चर शेयर की, अच्छी बात है, फैमिली की शेयर करनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये दाढ़ी वाला चोर, ये वो, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये दिस इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू। आप करना ये है, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, वो जो अमेरिकन है, जी कनेडियन है, जो इंग्लिश जो लोग हैं, वो आपसे इसे सीख क्या सकते हैं आपसे? असल बात ये है, वो जी आपके दुकान पे आए हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, सही है? वो दुकान के अंदर नहीं आए अभी, वो जी देखना चाहते हैं कि इसके अंदर है क्या। वो वहां पे दाढ़ी वाला चोर, पहले तो बात उसको समझ नहीं आएगी, पहली बात ये है। नंबर टू, इसमें उसके लिए कुछ भी नहीं है, सही सही सर, है? जब आप ये नहीं शेयर करेंगे तो ये नीचे वाले, ये जो नीचे कमेंट लगे, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है, आपने उसका जवाब दिया हुआ है, फॉरगेट दैट। अब वो इस तरह के आपको कमेंट्स भी नहीं मिलेंगे ना उसके बाद। जी वो जो आप क्या शेयर करते हो उसी तरह के आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, आपकी जो असल आप हैं क्या, जो जो आपके क्लोज लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं, दैट्स हु यू आर वन ऑफ देम बेसिकली। हम दुनिया में एक ही तरह के लोग, अपनी तरह सर, के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो आप फीड कर रहे हो लोगों को उस तरह के लोग आपके पास आएंगे। ये भी देखें, ये कोई पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, दिस इज नॉट, या दिस इज योर ओन पिक्चर, दिस इज गुड, ये पिक्चर ठीक है। अच्छा, अब ये भी उस तरह की कोई चीज है, ये ना आप शैतान के वट एवर, ठीक है? अब ये भी कोई लतीफा है, पता नहीं क्या है, जी इसको भी छोड़ें, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो,
ये उर्दू वाली चीजें कभी कभी वंस इन अ वायल कोई 14 अगस्त हुआ कर दिया, बस छोड़ दें इन चीजों को, कोई फायदा नहीं। ये आपको बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं कर रही, बात ये है। आपने हर वो चीज करनी है जिससे जो बंदा आपके प्रोफाइल पे आए और उसको क्या उससे कोई सीखने को मिले, दैट्स द की, नॉट अ जोक, फनी, नथिंग। मेनी टाइम वी थिंक वो किसी का मजाक उड़ाने से हम जोक कर रहे हैं, वो जोक नहीं होता, आप किसी की इंसल्ट कर रहे होते हो, यू नो। और मोस्टली वीडियोस में ज्यादा जी सर, पॉपुलर भी वही होती हैं, जब जिसमें किसी की फीलिंग हर्ट हो रही है वो जोक नहीं है, क्योंकि टुमारो यू कैन बी विक्टिम ऑफ योर सेल्फ, यू नो। जब आप किसी का जोक कर रहे हो तो कभी जी कभार सर, आपका कोई जोक कर रहा होगा, बात वही है। अच्छा, अब इसमें जी और भी चीजें हैं, चले हम इसमें जाते हैं। ये जो न्यूज के आइटम्स होते हैं इसको कोई फायदा नहीं, ये बिजनेस, ये लोकल चीज है, ये आपके लोकल मोहल्ले में, शहर में या पाकिस्तान में कोई इसका जरूरत है। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर के हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो आप उनके लिए फीड करें ताकि वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और यू कैन मेक मोर मनी। डज दैट मेक सेंस? जी सर, अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट ये है, ये आपने सारे यहाँ पे रिमूव करने हैं, तो ये इज इट ओके, वुड यू रिमूव इट? यस सर, बिल्कुल। ये क्लीन आप क्यों करोगे, ये क्लीन आपको फीलिंग हर्ट नहीं कर, आपने बड़ा टाइम लगाया हुआ है इन पे इकट्ठे करके करने से, ये हसबे हाल है, अच्छी बात है, आप अपने दौर पे सीखें, दूसरों को लोगों को क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी ये कोई ये है। लेकिन सर उस टाइम ना वे ऑफ थिंकिंग जरा अभी और, अब तो जरा काफी चेंज हो चुकी है अब तो, इसलिए ये चेंज करना जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल, ये भी देखें, ये सारा कुछ है, आप देखें, ये ऑलमोस्ट मैं आप मेजोरिटी ऑफ देम उनको मैं आपको चीजें कह रहा हूँ कि आप उनको मतलब जो शेयर कर रहे हैं, मुझे उसके कंटेंट से ताल्लुक नहीं है, मुझे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कंटेंट है, मैं ये मैं बात कोई नहीं कर रहा, आई एम नॉट मेकिंग अ जजमेंट ऑन द कंटेंट, लेकिन ये जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीरो वैल्यू है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी जी सर, सही है, ये हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी है, जी ये सर, प्रेसिडेंट साहब का है, ये आप, आपको नजर आ रहा है सारा कुछ क्लीन अप करने वाला, अभी मैं सबको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये इसका कोई फायदा नहीं है, किसी की एक चीज का फायदा नहीं है, अब मुझे पढ़ना है, एक लफ्ज भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आई कैन टेल राइट बाय लुकिंग एट इट, यू नो, सर, ठीक है। हाँ, फिर आप कहेंगे अच्छा मुझे तो पता नहीं है मैं शेयर क्या करूं, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब आई एम श्योर ये जो वाच कर रहे हैं वो कह रहे हैं अच्छा ये अच्छा ठीक है मैं क्लीन अप कर लूँ, फिर मैं क्या शेयर करें, अगर आप जो अच्छी अच्छी कोटेशंस होती हैं बिजनेस की कोटेशन वो शेयर करें, या ये है कि आप जो किसी का इंटरव्यूज हो अच्छे वाले, जैसे को आपके जो नए फ्रेंड्स हैं वो सीख सकें कुछ आपसे, जी ठीक है। आप जी उसमें सर, ये मैं भी इंटरव्यू करता हूँ, आप उन लोगों के जो अच्छे वाले इंटरव्यू इंग्लिश में हैं, जो उर्दू में करता हूँ वो ना करें आप, क्योंकि आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट है उसको आप जी फीड कर रहे हैं, आपने जो नए फ्रेंड्स हैं वो जी आपने पोटेंशियल क्लाइंट को बनाना है, दैट्स द की, दे विल नेवर कम टू यू अनटिल यू क्लीन अप ऑल दिस। आप ऊपर वाला बैनर में आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल कैसी हो सकती है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रोफाइल, आप ऐसे करते क्या हैं, क्या आपकी स्किल है? सर मैं तो वैसे लोगो डिजाइनर हूँ फाइबर पे। जी अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइनर है ना, यू नो, सर, ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे कवर आप डिजाइन करके आप कह दें अपना ग्राफिक डिजाइनर, यू नो, ऑन फाइबर, यू नो, अपनी ग्राफिक का लिंक भी ठीक है डाल सर, सकते हैं वहां पे, ये देखें लोगों को पता चलेगा आप हैं कौन, क्या करते हैं, यू नो, यहाँ तो कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक ठीक है। है सर, जी अच्छा, एक तो ये आप करें, अब सर, हुआ क्या कि ये रिसेंटली ये हमने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉइस ऑफ अमेरिका पे जो सेलेक्ट हुए, जो कुछ लोग उसमें, चांदी सारे को तो नहीं हम कर सके, लेकिन उसमें सैयद अली अकबर शाह का नाम भी था। अब उसमें क्या है कि जब उन्होंने इन पे फाइल नाम भी था, इन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया, और इंटरव्यू पे एयर हुआ नहीं हुआ हो जाएगा कोई बात नहीं, जब लेकिन उसके जो फॉरन उन्होंने इनकी प्रोफाइल देख के मुझे कॉल की है कि ये तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल प्रोफाइल है, वो आपके फ्रेंड भी हैं, एंड अब होता क्या है कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, क्योंकि वो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड है, अब वो मुझे भी इंपैक्ट कर रहा है इनके साथ फ्रेंडशिप फॉरन, अब इसका मुझे लॉस हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई रिकवर्ड इट, मैंने जी उनको बताया कि नहीं उनको बच्चों को असल में पाकिस्तान में पता नहीं है, आई एम गोइंग टू गिव हिम लिटिल लेक्चर के ये क्लीन अप कर लें, वरना ये कि दूसरी बात ये होती कि मैं सिर्फ अनफ्रेंड ना करता, मैं आपको ब्लॉक भी कर देता ताकि वो कोई इंटरनेट पे आपके साथ मेरी एसोसिएशन ना कर सके, आप समझ गए, सर, ये वजह है, जी यू आर नोन बाय द कंपनी, आप अगर आप कंपनी में एक खराब खरबूजा आ गया तो आप क्या करते हो, सारी टोकरी को तो नहीं फेंकते ना, आप उस खराब खरबूजे को निकाल देते हो, ऐसे करते हो ना, जी सर, या लेकिन मैंने अब उनको ये कहा कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अब उसकी वजह ये हुई कि उन्होंने अब उस प्रोग्राम में इनकी प्रोफाइल का लिंक नहीं डाला, इनका नाम नहीं डाला सामने ना,
ये देखें कितना इम्पैक्ट है, लेकिन ये तो मेरा उनसे ऐसा रिलेशनशिप है, उन्होंने मुझे फीडबैक दे दिया। आप इमेजिन करें जो आपके अपने क्लाइंट्स हैं वो तो आपको फीडबैक कभी भी नहीं देंगे। असल में जी जो सर, बॉस का चीज ये रही होती है, जब वो आपको बता दे कि असल में ये बात गलत है, तो आप उसको माइंड ना करें, उसको अपनी अपॉर्चुनिटी लें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जब आपको कोई ना बताए, दैट हर्ट्स यू द मोस्ट, चूंकि वही गलती आप हमेशा के लिए करते रहोगे, आपको पता ही नहीं कि मुझे क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे, यही होगा ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल, अब अगर आप सुन रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल को, हम हमेशा कहते हैं क्लीन अप कर लें, वो मेरा जेनेरिक वर्जन होता है। अब मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये देखें कितना ये मसला है। और अब मैं थोड़ी सी तीन प्रोफाइलें शेयर करता हूँ, यू नो आई ऑलवेज टॉक अबाउट थ्री। ये जेसन गिलबर्ट है, ये मास्टर ट्रेनर है आपके, इनका देखें उन्होंने क्या लिखा है ऊपर। जेसन गिलबर्ट अपनी पिक्चर है साथ, हाई इम्पैक्ट, ये आप करते क्या है, यू नो मीट जेसन समथिंग। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखो आप पूरा देख सकते हैं, इससे बिजनेस आपका आइडिया होता है। उनको ये नहीं लगता कि ये कोई मजहब प्रीच कर रहा है या पॉलिटिक्स प्रीच कर रहा है, यही है ना। जी सर, अच्छा, जब आपकी प्रोफाइल पे हम वापस आते हैं, देखिए मैं यहाँ पे सबसे अबाउट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ये बेसिकली BS इलेक्ट्रिकल स्टडीज आपने इंजीनियरिंग की है। आप अभी कहाँ पे रहते हैं, नोबडी नोज इट। आप यहाँ पे अपना करंट सिटी लिखें तो उनको पता चलेगा कहाँ है, सर। आप कहाँ पे हैं, क्योंकि आप जमीन पे रहते हैं ना, किसी जगह दुनिया में रहते हैं ना। जी सर, शेयर विद देम, और यहाँ पे लिखें आप वर्क इन्फो, आप वहां पे क्या ग्राफिक डिजाइनर है फाइवर, आप लिखें ताकि लोगों को पता चले कि ये ग्राफिक डिजाइनर है, ये वही बंदा है जो फाइवर पे है, यू नो। जी सर, आप समझ गए बात, जी तो सर, उसकी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिखें कि मैं ग्राफिक डिजाइनर फाइवर में, हियर इज माई लिंक टू फाइवर लिंक, वो जो इसके एक टाइटल होता है जब वर्क एजुकेशन का, ये लिखोगे डिस्क्रिप्शन में अपने फाइवर प्रोफाइल का लिंक भी दे दो, ताकि वो देखने आए तो अच्छा, ये वो यहाँ से जो आपका नया फ्रेंड बनेगा वो आपके फाइवर प्रोफाइल पे देख के खुद ही चला जाएगा, ऑर्डर भी कर लेगा, यू नो। एंड प्लस दे नो यू आर सर, की पर्सन, यू आर दैट पर्सन, ठीक जी है। सर, यहाँ पे ये एम्प्टी है जी बिल्कुल, सर, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका जो बेस्ट तरीका है, आप लिंक्डइन पे भी हैं। जी सर, अच्छा, मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक करता हूँ क्विकली। इसमें अब ये देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फार्मर ओनर एट कमर्शियल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये है, और ये यहाँ पे रहते हैं, देखें ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना। अपनी वेबसाइट का सर, लिंक भी, आप वेबसाइट की बजाय आप अपना फाइवर प्रोफाइल का लिंक तो यहाँ पे दे दें आपके अपने केस में। ओके, लेट्स गो टू टी कैट हाउजर, ही इज माई मेंटर। अब उसने क्या लिखा हुआ है अबाउट में, ये लिखा है एडिटर इन चीफ एट TRCB.com समथिंग लिखा हुआ है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे रहता है, ये है, मतलब ये स्काइप आईडी भी उसने दिया, आप अपनी स्काइप आईडी भी दे दें यहाँ पे, यू नो। उससे क्या होगा कि जो लोग फ्रेंड्स ठीक आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ये हाँ, ये वेबसाइट्स के लिंक है, वेबसाइट लिंक देने के बजाय आप अपनी फाइवर प्रोफाइल का लिंक दे दें, ताकि लोग फाइवर पे जाकर ऑर्डर कर सकें, स्काइप पे आपके साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक जी सर, है। अभी ये रॉबर्ट शीमेन ठीक है, ये वन ऑफ द डायरेक्टर फॉर आल सिटी फाउंडेशन, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आप ये देखें इसने कितना अच्छा लिखा हुआ है, ये सक्सेस इज अ डिसीजन, यू नो, ये उसका वो है ऊपर, ये कवर है आपका तो कलमा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे उनका है। जी अभी सर, उनका मैं अबाउट में देखो तो उसने चीफ एग्जीक्यूटिव है रॉबर्ट शीमन, ये कर रहा है, ये कर रहा है, यहाँ पे रहता है, यू नो। ये देखिए उसने सारी वेबसाइट डाली हुई है, ये उसकी फेसबुक जो भी है, ये लिंक्स है, आप अपनी अपने हिसाब से करें। अब मकसद ये है कि जब आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लेट्स लुक एट दैट कि वो शेयर क्या करते हैं। अभी ये देखिए, ये किसी को उसने ऐसे फनी सी पिक्चर डाली है ना, अभी ये कहे समवन इज रीडिंग माई बुक, वो जी अपनी बुक की बात कर रहा है। देखिए ये तरीका है, ऊपर लिखते हैं कुछ इंग्लिश में ताकि जो लोग हैं ये उस पर रेलिवेंट शायद नहीं होगी। अब जहाँ पे आप सोशल भी कर सकते हैं, ये देखें रेस्टोरेंट, वो किसी रेस्टोरेंट उसको पसंद आया तो उसने रेस्टोरेंट की पिक्चर लेकर डाल दी है, तो दैट्स ओके। अब ये ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल की वो कर रहा है, अगर आपसे रेलिवेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे कभी वो ये किसी न्यूज लेटर में आया है तो आप अच्छी चीजें शेयर करते हो लोगों से, कहने का मकसद ये है, यू नो। सर, अभी ये जेसन गिलबर्ट की देखते हैं ये क्या शेयर करता है, अभी आपके सामने देख रहा हूँ, ये तो उसकी पिक्चर है, देखते हैं इसके नीचे ये इधर वो पाकिस्तान में जब आया था तो ये वो उसने पिक्चर शेयर की हुई है, वो ज्यादा फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं है इसलिए मुझे पता है। तो ये बहरहाल ये है टी कैट का, ये टी कैट भी फेसबुक पे बहुत एक्टिव नहीं है, ही डजंट पोस्ट मच, लेकिन आपके केस में आप स्टूडेंट हो तो आपको जी, उसको कंटेंट पे पोस्ट करने चाहिए, आपको कोई ना कोई इंटरव्यूज पोस्ट करने चाहिए, जो इंग्लिश के इंटरव्यूज हैं बड़े सिंपल हैं, ये आप यहाँ से कर सकते हैं कि ये मैं आपको बताता हूँ अभी फेसबुक पे, अभी यहाँ पे सर्च करें पाकिस्तानी,
और यहाँ पे आप वीडियोस पे क्लिक करें जाके, और ये जो ऑल वीडियोस हैं ये देखें, जी सर, ये देखें मोस्ट कनेक्टेड पर्सनल लिंक्डइन है, ये है, दूसरे हैं, आप इसमें जो आपको पसंद आए, मैं नहीं कहता कि सारे कर दें, आप रोज का एक आध इंटरव्यू कर दें, यहाँ पे कुछ सौ के हिसाब से हैं, ठीक है। जब आप नए नए जी लोग आते रहेंगे, वो कहेंगे अच्छा ये तो ये लर्निंग फ्रॉम दिस गाय, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये स्टीवन बुड्डा इज नंबर वन गाय ऑन द लिंक्डइन फ्रॉम 400 मिलियन पीपल, ये इज द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन ऑन लिंक्डइन। ऑफकोर्स उसके इंटरव्यू आप खुद वॉच करेंगे, जी आपको भी अच्छा लगेगा और जो दूसरा भी आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, देन लोग ये बंदा कौन है, जब आप फ्रेंड जी ऐड करेंगे तो दे विल सी ऑल दिस, दे सी इट ऑलवेज एवरीथिंग। लेट मी, ये अभी बात करते करते आपसे कोई अभी कोई ऐसा आए हैं, ये किसी ने फ्रेंडशिप ऐड किया है, तो ये क्या है, ये कह रहा है डब्ल्यू पी लांसिंग को, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, लेट्स सी, एटलीस्ट उसमें इससे ये पता चल गया, ये देखें कि ये फैसलाबाद में रहता है, ये इसका है और ये इसके प्रोफाइल्स हैं, अगर कोई हम चेक करना चाहें तो वी कैन चेक इट, ये देखें जी लिंक्डइन सर, प्रोफाइल के भी उसने लिंक दिया हुआ है, देखा ऐसे यू कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर। ये लेकिन फॉरन डिस्क्रिपेंसी नजर आ गई है, यहाँ पे लिव्स इन फैसलाबाद, यहाँ पे कह रहा है ये देखें, और यहाँ पे वो कह रहा जी है कि वो कैलिफोर्निया में रहता है, जी सर, देखें नुकसान हो गया ना, फॉरन पकड़ा गया बेचारा। पकड़ा गया। अब हमें हम ये नहीं बात कर रहे, हमें पता ही नहीं कि इसमें सही वाली बात कौन सी है, अब बात ये कर रहा हूं, यस सर, बिल्कुल इज आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपन गॉन। जी सर, आप समय क्या कितना टाइम लगा इस चीज को चेक करने में, सारे 1 मिनट भी नहीं लगा, बस उधर से आपने स्विच किया पता लग गया। पता चल गया 1 सेकंड, मैंने को पढ़ा क्या करता है, मुझे क्या जरूरत है उसे, एक बेसिक ऑथेंटिक अगर बेसिक इंफॉर्मेशन भी अगर सही नहीं है तो आई हैव नो आइडिया वो कैलिफोर्निया में है फैसलाबाद में, पता दोनों गलत हूँ, जब जब एक गलत है तो दोनों गलत हो सकती है ना, फिर तो इसके बाद ट्रस्ट क्यों करें भी, हमें क्या पता, वी नीड ऑथेंटिक पीपल ओनली, जी सर, इतनी सी बात है, दैट्स व्हाट इट टेक्स, आप सारी जो मेहनत की हुई है उसने वो सारी जाया होगी ना, जी सर, बिल्कुल ये कौन सी आपकी प्रोफाइल है इसमें, सर, यही सेम पिक्चर है सर। अकबर शाह, ये मैं तो सर्च कर रहा हूँ, शाह तो लिखेंगे ना आप आगे तो। आगे है ना, मैंने लिखा है ना आपके सामने, कहाँ पे है ये देखे ना, लिंक्डइन पे नहीं नजर आया ना, ये वाली पिक्चर, ओके नो ये आया, अच्छा ओके ये आ गया ना, चलिए ये अच्छा किया कि आपने पिक्चर सेम डाली है, सही है। जी सर, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, स्टूडेंट है, लोगो डिजाइनर है, यू नो जी सर, आप लोगो डिजाइनर के बजाय आप कहें ग्राफिक डिजाइनर है, क्योंकि लोगो के अलावा भी चीजें डिजाइन कर सकते हैं ना, जी ठीक है सर, वो चेंज करना मैं। ठीक है। अब यहाँ पे द जी सर, टैलेंटेड लोगो डिजाइनर स्कॉलरशिप विनर फ्रॉम पीसी दिस प्रोजेक्ट, ओके गुड, ओके ये एक्सपीरियंस में लिखे ना कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, फाइवर पे काम करते हैं, ये मेरा लिंक है, आप समझ गए, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन जी सर, एक्सपीरियंस में डालें उसमें, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है जी सर, यहाँ पे उसको अपना लिंक भी डाल दें, ये प्रैक्टिकल इंजीनियर तो है ही है, लेकिन एक और एक्सपीरियंस शो कर देना कि आप ग्राफिक डिजाइनर उसमें कर रहे हैं, यू नो। जी ठीक है सर, मैं डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके अलावा आप ये लिंक्डइन पे, ओके ये अच्छा किया, ये आपने ग्राफिक डिजाइनर का लिंक क्रिएट किया है। आप दो तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करते हो, एक तो जिस टाइप के आप हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनर है, दूसरा और टाइप के करें जो मार्केटर्स हैं, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट जहाँ पे होते हैं मार्केटिंग वाले, वो उनके साथ आप डिजाइन करें, ओके सो दैट्स गुड इनफ फॉर योर लिंक्डइन प्रोफाइल, हियर इज अ क्विक रीकैप कि आप अपनी जो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन है वो सारी सेम होनी चाहिए, और आपको अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस शेयर करने चाहिए, वो आपके अपने अगर नहीं है देन दूसरों की जगह से शेयर कर लें जो अच्छे आपको पसंद आते हैं, पहले आप उसको देखें अच्छे, आप जब व्हेन यू फील इट गुड फिर आप शेयर करें, और अपनी प्रोफाइल क्लीन अप कर लें, अभी ये आई एम श्योर कि सैयद अली अकबर शाह आप इसको क्लीन अप करेंगे। जी सर, बिल्कुल अच्छा आपको पता, आपको
बहुत तरह तरह के कमेंट आएंगे, जो लोग आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं और वो जो सिर्फ उर्दू पंजाबी में वो ऐसे करते हैं और उस तरह की चीजें शेयर करते हैं, उनको आप अनफ्रेंड कर देना। ठीक है सर, मैं चेंज कर दूंगा। अगर एज एन एग्जाम्पल ये है, ये बेशक आई हैव नो आइडिया कि वो आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, आप उनके साथ उस तरह की चीजें नहीं कर सकते यहाँ के पब्लिकली उस तरह, यू नो, क्योंकि दैट डजेंट हेल्प जी यू इन अ सर, बिजनेस। यूज सोशल मीडिया फॉर अ बिजनेस और नॉट फॉर फन, या फन के लिए करें या आप बिजनेस के लिए करिए, दोनों चीजों को मिक्स करना से वो कोई भी चीज आपको अचीव नहीं होगी। यू हैव टू बी सिंगल लेजर फोकस्ड। यस ओके चलें, आप सामने आए कैमरे पे, कैसे लगे, कैसा आपको लगा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इसको शेयर करने में? सर, जी जी, कैसा लगा? आप जो वाच कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि जो बात बोली जाए उसके ऊपर टाइम से अमल कर लें, इससे पहले कि जो उनका लॉस हो जाए और फिर बेचारे नुकसान के बाद इस चीज के ऊपर आए। अगर पोटेंशियली आप वॉइस ऑफ अमेरिका में, इस वजह से आपका वो फीचर जो इंटरव्यू हुआ हुआ भी लाइव ना हो, इसकी वजह से, तो उसका आपको पोटेंशियली आपकी नजर में क्या लॉस होता आपको? सर बहुत ज्यादा लॉस होता क्या, ये नहीं बता ही नहीं सकता मैं तो। जरा हाँ? इतनी यानी एफर्ट करके बंदा वहां तक पहुंचे और अगर वहां पे मेरा इंटरव्यू ही ना हो तो फिर तो जरा कैसे। नहीं, पहले आपने उसके लिए स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की, आप इमेजिन करें कितनी मेहनत की है, आपने एप्लीकेशन की है, फिर आपने उसको सारा फाइवर का कोर्स सीखा है, फिर उससे आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, फिर आपने पब्लिकली बताया कि मैंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं और मेरा देखें, मैं आई वॉन्ट टू बी सिलेक्टेड इन साइड, फिर आपने उसकी सारी क्लासेस अटेंड की हैं कि वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, सारा कुछ सीख के, असल में जो आखिरी एक बात थी जी कि वो आपको पता ही नहीं, कि वो आपको नहीं पता, क्या नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, यही बात है ना, आपको पता ही नहीं सर, था कि ये वाली यस चीज सर, भी मुझे इम्पैक्ट कर रही है, यस बट आई एम ग्लैड नाउ यू कांट से आई डोंट नो इधर एनी मोर, बट नाउ यू नो इट, और आप वॉच कर रहे हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी प्रोफाइल पे, और अपना नाम, सबसे पहले अपना जो नाम है वो रियली वही अपना शेयर करें जो आपके नादरा कार्ड पे है। मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, वजह ये कि अपने आप को ऑथेंटिक बनाएं, कहने का मकसद ये है, कोई भी अनऑथेंटिक लोगों से काम नहीं करना चाहता है, आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, जब ट्रस्ट एस्टेब्लिश ही नहीं होगा तो बिजनेस कभी भी नहीं होगा। यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू बी ऑथेंटिक फर्स्ट, बी ऑथेंटिक विद योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर यू समबडी यू वांट टू टॉक टू एनीबडी एल्स, दैट्स माई लिटिल एडवाइस, एंड होप गो एंड क्लीन अप योर प्रोफाइल, फिक्स योर नेम ऑन सोशल ओके मीडिया एंड क्लीन अप ऑल द कंटेंट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।